व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि शनोभासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वमिति मधुरघुं मायया भोजयन्नो माया साङ्ख्यां तुरीयं परम ब्रह्मतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद पर विचार करते हुए अभी हम लोग प्रथम प्रकरण जो है आगम प्रकरण उसका तीसरा मंत्र का विचार कर रहे हैं। आगम प्रकरण का तीसरा मंत्र ठीक है, तो पहले भगवान भाष्यकार यहाँ पे जो है उपघात में अनुबंध चतुष्टय के माध्यम से विषय को भी दिखाया और जो है कि अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध ये भी दिखाया और इसका चार भाग में जो विभाजन है कि आगम प्रकरण अद्वैत प्रकरण अद्वैतार्थ प्रकरण अद्वैत प्रकरण और अलग शांति प्रकरण, इसमें से भी जो हमारा एक दूसरे के साथ क्या संबंध है ये भी दिखाया पहले कि पहले आगम सूत्र के आधार पे जगत ब्रह्म सत्य है, जगत में पारमार्थिक सत्य ये दिखाएंगे और इसको युक्ति के सहारे सिद्ध करेंगे द्वैतार्थ प्रकरण में। फिर अद्वैत प्रकरण में आ करके तब तो अधिष्ठान भी मिथ्या होगा, उसको निश्चय करने के लिए नहीं अधिष्ठान के जो भेद रहित व्यापक तथ्य वो मिथ्या नहीं है ये दिखाएंगे तृतीय प्रकरण में। और ये मन की विचलता ही हमारे बाहरी वस्तु के देखने के प्रति कारण होता है, ये चेतनता के ऊपर ही चेतन के ऊपर ही सारा प्रतीति हो रहा है, अचेतन इस रूप में अभिव्यक्त होकर दिखाई दे रहा है वृत्ति के साथ मिल करके, इसलिए मनोवृत्ति को हम रोक सकते हैं शुद्ध चेतन की उपलब्धि होते ये अलग शांति प्रकरण बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे अन्य वादियों के साथ जो हमारे सिद्धांत में विरोध दिखाई पड़ता है वो भी विरोध नहीं है, एक आभास मात्र है, उससे हम धीरे 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 करके सीखते हैं कि हमें कैसे पदार्थों का निरूपण कैसे है वो हम न्याय वैशाषिक से सीखते हैं, मन को कैसे निरूपण किया जाता है, मन को कैसे प्रकरण में आ जाता है, मन की कितना विकारे हैं इसको हम जो सांख्य और योग दर्शन से सीखते हैं और वो पूर्व मीमांसा दर्शन के द्वारा अपने शास्त्रीय कर्म कर्तव्य कर्म करने से तब इस प्रकार अपने कबू काबू में सब आता है, मन बुद्धि से काबू में आता है तो शास्त्रीय कर्म से, इस प्रकार सभी दर्शनों के साथ हमारा विरोध नहीं है ये अद्वैत को पुष्ट करते हैं, इस प्रकार से अलग सामने प्रकरण में दिखाएंगे। अभी हम लोग इसमें इस यहाँ पे पहला मंत्र में सब वस्तु को अभिधान के रूप में दिखाया ठीक है ना, ओम इति एतद् अक्षरम् इदम् सर्वम् करके सारा वस्तु नाम मात्र ये दिखाया। फिर बताएं सर्वम ब्रह्म है वो, मतलब ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म रूप है, मतलब अधिष्ठान रूप है, रूपात्मक दिखाया, अभिधेय रूप में दिखाया, एक अभिधान रूप है एक अभिधेय रूप है। अब फिर जो है ब्रह्म क्या वस्तु है तो बोलते आत्मा ही ब्रह्म है, तुमको समझ में नहीं आता यानी कि आप उत्तम अधिकारी नहीं है तो आप जो उसको समझाने के लिए स्वयं आत्मा चतुष्पाद, तो चार पाद में तीन पाद जो है कर्णात्मक है एक पाद जो है कर्मात्मक है जो प्राप्त किया जाता है, तो जिसके माध्यम से हम प्राप्त करते हैं उसी की एक पाद का वर्णन हो रहा है, जिसके माध्यम से हम इस आत्म तत्व को समझ सकते हैं उसी की एक पाद का वर्णन होती है। देखिए आप पेज 18 में ठीक है ना, यहाँ पर देखिए कि टीका में ये भगवान भाष्यकार के पहला दायित्व है कि एक एक शब्द का अर्थ बोल दिया ठीक है ना, कौन सा ये जो जागृत स्थान मतलब जागृत स्थान में अभिमान करने वाले चेतन बहिष्प्रज्ञ केवल अपने स्वरूप को छोड़कर के सब विषय का ज्ञान इनका होता है उस समय ठीक है। फिर सप्तांग स्थूल शरीर में सात अंग है, सिर आँख मुंह ठीक है ना, शरीर के मध्य भाग अस्थि और पृथ्वी, इस प्रकार के सात अंगों में विभाजन किया। एकों में विक्षति उपलब्धि का कारण 19 है, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका वर्णन कर दिया इसका
और क्या बोलते हैं स्थूल भूख, इस समय पे हमें स्थूल वस्तु को भोग करनी है। स्थूल मतलब जो इंद्रिय ग्राह्य वस्तु है, इंद्रिय के साथ मन और अहंकार भी आए तो मन बुद्धि, तो इंद्रिय का जो वस्तु के यहाँ पे स्थूल भूख शब्द के द्वारा कहा जाता है। और इसका विशेषण क्या दिया था, वैश्वान जो इस प्रकार करते हैं वही उसी को वैश्वान शब्द के द्वारा कहा। जागृत अभिमानी व्यष्टि, जागृत अभिमानी चेतन को व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, समष्टि मतलब टोटल। तो यहाँ पे इस इंडिविजुअल व्यष्टि मतलब स्थूल शरीर अभिमानी चेतन को वैश्वान शब्द के द्वारा कहा जाता है। तो सभी में देखिए तो ये भी वैश्वान है, ये भी वैश्वान है, ये भी वैश्वान है, क्योंकि हम सभी तो विराट पुरुष का अंग, ठीक है कि नहीं। तब ये भी वैश्वान, ये भी वैश्वान, ये भी वैश्वान, ये भी वैश्वान। अब देखिए मान लीजिए हमने बोला वाई, ए इजुकल टू वाई, बी इजुकल टू वाई, सी इजुकल टू वाई, डी इजुकल टू वाई, यानी कि ए इजुकल टू बी, बी इजुकल टू सी, सी इजुकल टू डी, ऑब्वियस, यानी कि जीव में भेद नहीं है, सब एक विराट पुरुष के अवयव रूप में कहने से क्या हो जाएगा कि जीव में जो प्राकृतिक भेद सिद्ध होता है वो वैज्ञानिक दृष्टि से अथवा शास्त्रीय दृष्टि से वो अभिन्न नहीं है, उपाधि के कारण प्रतीति मात्र होती है। तो ये चीज कि वैश्वान और विराट का अंग है, ये आगे है वैश्वान और सारे विराट का अंग है, ये चीज में श्रुति में ये तो बोल बोल ही रहा है यहाँ पे, अभी तो बोल रहा है साप्ताह, अभी प्रश्न उठाएंगे, अभी आपने जो प्रश्न किया इस प्रश्न का भी उठाएंगे। आपने कहा कि सो अयम आत्मा चतुर, अयम आत्मा ब्रह्म, सोयम आत्मा चतुष्पद, तो आत्मा तो हम इंडिविजुअल स्वरूप को जानते हैं और इसको अपने व्यक्त दिखाए। अब इसका अंग के रूप में वर्णन करते हुए, अब बोल रहे ना इसका अंग, इस आत्मा की अंगों के रूप में वर्णन करते किसको दिखाया, दो लोग को दिखाया, बिल्कुल गड़बड़ कर दिया आपने। आपने बोला ये आत्मा ब्रह्म है तो इसका सर ये होगा, दो लोग कैसे होगा, ठीक है ना, इसका पैर पृथ्वी है, पैर तो हम यहाँ दिखाई पड़ते हैं, अब बोलते पूरे पृथ्वी पैर है, कैसे होगा। इसीलिए ये बात को आपका सही नहीं है, ठीक है ना। तो बोलते किसके ऊपर आक्षेप कर, ये आक्षेप तुम्हारे किसके ऊपर है, श्रुति के ऊपर है, श्रुति ऐसा बोलती है। और भाष्यकार दिखाया इसको सप्तांग एकन वंशति मुख करके दिखा करके और श्रुति का आधार पर ऐसा दिखाया भाष्यकार, ठीक है ना। इससे क्या सिद्ध हुआ कि आध्यात्मिक और आधिदैविक जगत की एकता, इसी के लिए तो प्रयास है, ठीक है ना। ये शब्द सीधा नहीं है परंतु कैसे आए इस ढंग का उठाएंगे, जैसे आप बोल रहे ना इसका भी उठाएंगे। तो अब जो है इस प्रकार से इसको प्रथम पाद कहा गया है, मतलब हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहला कदम यहीं से शुरू करना पड़ता है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, टीका में पेज 18 टीका में देखिए, विश्वान नरान भोक्तृत्वेन व्यवस्थितान प्रति अनेक धा धर्मा धर्म कर्म अनुसारेण सुख दुखादि प्राप प्रापनात् अयम कर्म फलदाता वैश्वान शब्द तो भवति इति अर्थ। यहाँ पे वैश्वान शब्द के द्वारा किसको दिखाया, ईश्वर तक ले गए फलम अतुपस्थे। पहला उसमें क्या दिखाया यहाँ पे कि विश्वान नारायण द्वितीय, इसलिए और बोलते हैं कर्मणि षष्ठी, है ना। समस्त विश्व को मतलब समस्त जीव को, नर समस्त जीव को, नर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नर मतलब यहाँ पे नर और नारी ये नहीं लेना, हाँ नर नारी कबल नर को लेगा नारी को नहीं लेगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ सारे जीव लेना है, विश्वान संदेह से सारा जीव को लेना है कि विश्वान नारायण भोक्तृत्व व्यवस्थित है, वो भोक्तृत्व उसमें बैठा हुआ है। प्रत्येक जीव किसी न किसी को भोग करता है, प्रत्येक जीव इकोलॉजिकल बैलेंस विज्ञान भित्तिक है, प्रत्येक जीव अन्य दूसरे को भोग करता है, एक दूसरे का भोक्ता रूपी बना हुआ भोक्तृत्व रूप में। जब भोक्तृ होंगे तो कोई भोग्य वस्तु भी होगा, यानी कि जो जब भी इस समय ये भोक्ता है ये भोग्य है, तो उल्टा भी होता है, ये भोक्ता होता है ये भोग्य भी होता है, हर जगह पे नियम है। एक आप जानते हैं तो दाना भी है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंधे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा तो मैं रौंधूंगा तुम्हें, है कि नहीं। ये देखो यही चीज तो बोल रहे हैं कि सारा चीज एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है कि भोक्ति भोग्य रूप में बना हुआ है, भोक्ति तेना व्यवस्थित विश्राम नाम, ठीक है ना। अब देखो किसी घर सामान्य व्यावहारिक दृष्टांत को समझा रहा हूँ, किसी घर में बेटा को विदेश भेजा पढ़ने लिखने के लिए,
2 किलोमीटर। बच्चा वहाँ से पर डे के अंदर आया, गाड़ी खरीद के दिया, एक्सीडेंट में बेटा मर गया। ठीक है ना, उसको दुख तो हो रहा है परंतु वो नहीं मरेगा, क्योंकि उसका दूसरा बेटा है, तीसरा बेटा है, अथवा चाचा का बेटा है, भुगति एक की जगह दूसरा भुगति देगा। इससे और क्या सिद्ध होता है, एक चीज कि ये जो हम बोलते हैं ना जीव आसक्त है, आसक्ति पर बंधन के कारण है, शुद्ध आत्मा में कोई आसक्ति नहीं है। आप हर एक चीज का दो साइड देखिए, हम एक चीज को छोड़ के दूसरे को पकड़ते हैं, पकड़ते कि नहीं पकड़ते। तो ये जो एक चीज को छोड़ के दूसरे को पकड़ते हैं, इससे क्या होता है कि पकड़ना हमारा स्वभाव है, पकड़ किसी को पकड़ना हमारा स्वभाव है, परंतु ये अच्छा है एक दिन, परंतु हम किसको पकड़िए नहीं समझ पा रहा हूँ। परंतु वो आसक्त है ये नहीं बोल सकते, आत्मा सर्वदा असंग है, नाम करके शुद्ध होगा असंग है ये नहीं है, आत्मा सर्वदा असंग है। और उस असंग आत्मा के कारण ही मन के ऊपर उसका प्रतिफलन होता है, कोई चाहता है तो दूसरा को पकड़ते हैं, वो असंग जाने के 2-3 दिन। एक घर में पुत्र मर गया, एक दिन लगेगा पिता मूर्छा होगा कि गिरा, 7 दिन बाद देखो वही पिता खा पी रहा है, शराब भी पी रहा है, कुछ भी कर रहा है। इस प्रकार से ये भोक्तृत्वेन व्यवस्थितान, समस्त जीव जो है एक वेदांतिक दृष्टिकोण ऐसा है, केवल मतलब हर एवरी स्पैन ऑफ लाइफ यू कैन फाइंड इट एंड यू कैन इम्प्लीमेंट इट। हर जगह पे आप देख सकते हैं कि आत्मा की यथार्थ स्वरूप क्या होता है। इसलिए बोलता है विश्वान नारायण, समस्त जीवों को भोक्तृत्वेन व्यवस्थितान, एक भोग तो भोग्य वस्तु गया, दूसरा भोग्य वस्तु मिल जाता है, भोक्ता के रूप में विद्यमान उसका भी दूसरा भी प्रति अनेक था। और इन लोगों को जो भोक्ता के प्रति अनेक प्रकार से भोग्य वस्तु को लाता है, किसके ऊपर आधार करके, धर्म अधर्म कर्म अनुसार। इस विषय में भगवान किसी को मतलब पक्षपातित्व तो नहीं किया, जैसा हमारी धर्म है, जैसा हमारी अधर्म है, तद अनुकूल जैसा हमने आचरण किया है तद अनुकूल भगवान जो फल देते हैं, भोग्य वस्तु को निरूपण कर देते हैं। जरा एक ही चीज देखिए, एक ही जगह पे एक व्यक्ति आलिशान मकान में रह रहे हैं और उसी के नीचे कोई व्यक्ति को खाना भी नहीं मिल रहा, उसी के बगल में पड़ेगा, क्योंकि क्यों, कर्म का अनुसार होता है ये, कर्म का अनुसार हुआ। अब ये व्यक्ति आज अन्याय करे काले से ही हो सकता है, काले को भी दशा हो सकता है। इस विषय में कोई निर्णय एकमात्र ईश्वर भिन्न कोई निर्णय नहीं कर सकता, परंतु ऐसा दिखाई तो देता है। एक व्यक्ति आयश आराम से घूम रहा था वर्ष, परंतु वही व्यक्ति 2 दिन बाद दिखाई दे रहा है फटाफट, ऐसा भी दिखाई देता है, एक ही जन्म में भी दिखाई पड़ता है। तो धर्माधर्म कर्म अनुसारेण सुख दुखादि प्रापना है ना, धर्माधर्म के कर्म कौन से सुख और दुख, ये क्या हुआ है, सुख और दुख ये विषय की विभाजन किया हमने, किया किसके ऊपर निर्भर करके किया, विषय की विभाजन, विषय की विभाजन हमने किया किसके ऊपर निर्भर करके, ये अनुकूल प्रतिकूल, अपने सुख दुख जन्मांतरी संस्कार से, ये मेरी अनुकूल ये मेरी प्रतिकूल, इसलिए सुख दे ये दुख दे, ये वस्तु सुख दे ये वस्तु दुख दे। इस वस्तु में ना दुख दायित्व है ना इस वस्तु में सुख दायित्व है, कहाँ है वो, परंतु हमारा आरोप क्या है, ये मेरे को दुख देता है ये मेरे को सुख देता है, और इसी पर सारा संसार को हमने विभाजन कर रखा है। एक ही शुद्ध चेतना है ना, एक ही विराट, एक ही विराट के अंग होते हुए भी, मैं पहले इसलिए यहाँ शुरू किया था कि ये भी विराट की अंग, ये भी विराट के अंग, ये भी विराट के अंग, ये भी विराट के अंग, इसीलिए ठीक है एक ही मेरा ही अंग होने के कारण हाथ पूरा ही मेरा है, उंगली अलग अलग काम करते अपने प्रयोजन के अनुसार, परंतु फिर भी हाथ मेरा ही है, सब एक ही है। इसी को हमने किस प्रकार से किसके आधार पर विभाजन किया, अपने संस्कार के आधार पर, सुख दुख के आधार पर विषय को विभाजन करके, ये अनुकूल ये प्रतिकूल, ये सुख दे ये दुख नहीं करता, ये हमारे मनोविकार आत्मा में ये नहीं है। ये यहाँ पे वैश्वानर फर्स्ट पहला पाद से, क्योंकि आपको आत्मा तक जाने के लिए पहला पाद है, ये विषय की विश्लेषण आपका अच्छी तरह से होना चाहिए। यदि विषय वस्तु में है क्या, वस्तु क्यों ये अनुकूल लग रहा है, क्यों प्रतिकूल लग रहा है, क्या वस्तु में है, यदि ये अनुकूल होता तो सभी व्यक्ति उनके अनुकूल बोलते, परंतु पीछे वाला बोलते नहीं ये आदमी ठीक नहीं। एक ही हर जगह पे आप यही देख, हर जगह पे यही नियम है, ये जो है हमारी सुख दुख की मानसिक प्रवृत्ति के मानसिक अनुकूलता के प्रतिकूलता कौन था, हमने विषय में विभाजन कर दिया। इसके पहले भी मैं एक दिन बताया था कि हम एक एक ही पिंड के ऊपर कोई पिता कोई भ्राता कोई पति कोई दोस्त एक ही से करते हैं, ये हमारी मनोसृष्टि, ये हमारी मनोसृष्टि ईश्वर सृष्ट पिंड है, ईश्वर ने विभाजन नहीं किया, इसी प्रकार किया
है ना, ये विश्लेषण यदि हमारे आ जाता है ना, ये चिंता हम करें तब देखना धीरे धीरे भेद बुद्धि जा करके एकत्व बुद्धि में स्थिर। इसीलिए हमें बोलते हैं कि प्रत्येक अनेक धर्म धर्म कर्म अनुसार न सुख दुख का भी प्राप्त अयम कर्म फलदाता विश्व नवित भगवती। ये जो है कर्म फल देना, तो ईश्वर तक ले गया कहा तो वैश्वर परंतु कर्म फल देता ईश्वर है फल मतलब उपपत्त सूत्र के द्वारा वहां तक ले गया पहला व्याख्यान। अच्छा अब दूसरे में क्या होता अथवा अथवा करके देखिए पहला व्याख्यान में कहां पे ले गया समस्त सृष्टि की जीव को अपने कर्म अनुसार फल देने वाला रूप में दिखाया। अब क्या बोलते हैं देखिए अथवा अब दूसरा विभाजन कर रहे हो पांच नंबर टिप्पणी बोलते हैं व्यष्टि मतलब समष्टि समष्टि को अभिप्राय में रखने कहा था अब व्यष्टि को अभिप्राय में रखने कहा था इसलिए बोलते हैं व्यष्टि विवक्षया आह व्यष्टि को मतलब इंडिविजुअल को अथवा शब्द के द्वारा क्या भिन्नता हुआ दोनों में ये आपने आप समझना बताएंगे ना। अथवा विश्वस्य असौ नरस्य ठीक है ना अब समस्त जीवों को अपने कर्म फल अनुसार फल देने का अधिष्ठान रूप में बंद विद्यमान है वो हो गया विश्वास। अब बोलते हैं वो अपने आप ही विश्व रूप भी है और वही नर रूप भी है जो विश्व है वही नर है जो विश्व है वही नर है इसी ने बोलते हैं विश्वस्य असो नरस्य इति विश्वानर स एव विश्वानर विश्वानर बनने के बाद फिर जब उसी आदि आदि अज को वृद्धि कर दिया तब जीत होगा वैश्वानर बन गया विश्वस्य असो नरस्य। यहाँ पे क्या हो जाएगा वहाँ पे था आपका कि विशेषाम नरानाम षष्ठी तत्पुरुष समास है अनेक कथा नयनाद वैश्वानर विशेषाम नराणाम अनेक कथा नयना चस्तु का पुरुष समझ करके वहाँ पे अन प्रत्यय वैश्वान विश्व वैश्वानर कर दिया। यहाँ पे आता था अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं विश्वस्य असो नरस्य कर्मधारा समास है जो विश्व है वही नर है ये दोनों भिन्नता को देखिए इससे क्या हो गया कि अभिन्नता हुआ कि आप जो है वो अपने से अभिन्न रूप में ये ईश्वर में ले गया अब क्या हो जाएगा विराट रूप में दिखेंगे अपने को विराट रूप में दिखेंगे अथवा विश्वस्य असौ नरस्य विश्वानर स एव वैश्वानर जो विश्वानर है उसी को वैश्वानर शब्द के द्वारा बोला जा रहा है। यहाँ पे स्वार्थे तद्धित मतलब ये तद्धित प्रत्यय स्वार्थिक प्रत्यय है ना वयस एव वायस कभी ऐसा प्रयोग करते हैं कौवा को बोलते हैं उसका कभी कभी वयस भी प्रयोग करते हैं वायस प्रयोग करते हैं मतलब आदि अस्क वृद्धि हो दीर्घ हो गया। इसी प्रकार रक्षस एव राक्षस दो शब्द हमको मिलता है स्वार्थे तद्धित राक्षस वायस वत इति आहुति को मन में रखते हुए भगवान राष्ट्र बोलते हैं जद व असो विश्वस्य ये जो कोष्ठ में दिखाई दिया रहा है ना एक देखिए जद व विश्वस्य असो नरस्य ठीक है ना विश्वस्य असो नरस्य जो भाष्य में दिखाई दे रहे हैं ना आपका आप टीका में वही दिखाई पड़ रहे हैं विश्वस्य असो नरस्य विश्वनर सर्वश विश्वानर वैश्वानर एव विश्वानर एव वैश्वानर ठीक है भाष्य में देखिए क्या लिखा है जद्वा विश्वस्य असौ नरस्य ठीक है ए उसके बाद फिर क्या लिखा विश्वानर फिर विश्वानर एव वैश्वानर ये भाष्य में लिखा हुआ है। अब वहाँ पे देखिए दो नंबर टिप्पणी में क्या बताया था जद्वा इति आरभ विश्वानर इति यावत मतलब जद्वा यहाँ से ले करके और विश्वानर यहाँ तक ये जो आपको पोस्ट में दिखाई पड़ रहा है जद्वा विश्वस्य असौ नरस्य इति विश्वानर ठीक है ना यहाँ से यहाँ तक ठीक है ठीक जो दो नंबर टिप्पणी में देखिए दो नंबर टिप्पणी क्या होता है जद्वा इति आरभ जद्वा कहाँ पे हुआ जद्वा यहाँ से विश्वस्य असौ नरस्य इति विश्वानर ठीक है यहाँ तक ठीक है यहाँ तक तो बोलते हैं इति इति जागर विश्वस्य असौ नरस्य इति विश्वानर इति यान पाठ लिखित पुस्तके नास्ती ये जो यहाँ पे आनंद आनंद आश्रम प्रकाशन से कैलाश आश्रम ने प्रकाशित किया था पर उनको कोई हमको लगता है कि यहाँ पे टिप्पणी कार को कोई और भी मूल पुस्तक मिला होगा जिसमें कह रहे हैं कि भाष्य में ये पद नहीं है वहाँ ये जो जदवा विश्वस्य नरस्य विश्वानर हाँ इतना था हिस्सा वहाँ पे नहीं है बोल रहे हैं ना यहाँ पे जद्वा इति आरभ्य विश्वानर इति यावत् विश्वस्य असौ नरस्य इति विश्वानर इति यान पाठ लिखित पुस्तके नास्ति ठीक है ना ये उनको हस्तलिखित पुस्तक मिला होगा उनको जिसमें ये पाठ नहीं है ऐसा टिप्पणी कर रहे टीका में दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे और टीकाकार यदि भाष्य में ये पंक्ति लिखा हुआ है तो टीकाकार को दोबारा लिखने का भी आवश्यकता नहीं होता
जो भाष्य में जद्वा जद्वा पद को छोड़ करके विश्वस्त सो नरक चेति विश्व नरो ये जद्वा को लिख दिया अथवा विश्वस्त स्मृति विश्व नरो अस्सा एव विश्वानर विश्वानर एव विश्व नर स्वयं विश्वानर ठीक है कि नहीं। एक ही लाइन वहाँ पे आया हुआ है। तो टिप्पणी का क्या बोलते हैं कि विश्वस्त सो नरश्च इति विश्वानर इति यान पाठ लिखित पुस्तक नास्ति। टीका प्रजालोचना च टीका को भी देख करके ये लगता है अयम प्रामादिक एवं गंतव्य। यहाँ पे खुद प्रामादिक इसलिए हमारी पुरानी पुस्तक में इसको ने कोष्ट में लिखा हुआ डाला हुआ है पुरानी पुस्तक में। इसीलिए बोलते हैं इति कुंडलित कुंडलित मतलब इट इज द ब्रैकेट इसके ब्रैकेट में रखा गया फर्स्ट एडिशन में। सेकेंड एडिशन में इसको हटा दिया गया। अब ठीक है ना समझ में आ रहा है। टिप्पणी जो कोई विशेष मतलब ग्रंथकार को इस ग्रंथ में ये पंक्ति मूल ग्रंथ में नहीं मिला था टीका में ये मिला। अब जो है तो ऊपर इससे ये लगता है कि भाष्यकार की पंक्ति के ऊपर भी विज्ञान में कुछ और एडिशनली जोड़ा। ये जो अपशुद्र अधिकरण आता है ना अपशुद्र अधिकरण ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र अपशुद्र अधिकरण आता है तो वहाँ पे एक पंक्ति ऐसा मिलते हैं कि यदि कोई शूद्र लुक्षुक को किसी मतलब वेद को सुनता है यदि भी पकड़ में आता है तो उसका कान में बना हुआ त्रपू डाल देना चाहिए ऐसा कहा। परंतु भाष्य का जो मूल पुस्तक में रिसर्च करने वाले तो वो नहीं है किसी ने लिख दिया उसके बाद में भाष्यकार को। हाँ भाष्यकार को पर अभी भी मतलब केरल में अभी इस समय में बोल रहा हूँ इस समय ऐसा संत लोग मतलब केरल में क्योंकि क्रिश्चियन लोग भाष्यकार को पढ़ते हैं और पढ़ के तो उनको क्या पता ईशा भाषण क्या वस्तु होता है। वो देखो ईशा का नाम पहली उपनिषद में आया हो ईशा भाषण एकदम सर हो सामान्य व्यक्ति को क्या पता है कि ईशा मतलब वहाँ की तृतीय विभक्ति है इसका क्या पता है। देखो यीशु का नाम आया हुआ है। भाष्यकार की पंक्ति को देखो तुम लोग उनको भाष्यकार ने ऐसा लिखा यदि सुनोगे भी तो हम लोग ऐसा नहीं हम तुमको सुनाते वो कई पंक्ति ऐसा लगे यहाँ पे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है मतलब भाष्यकार के ऊपर किसी ने मतलब ये कुछ समय पंडित भाष्यकार अपने माता ने कही किए थे तो पंडित लोगों ने कुछ भाष्यकार के विरोध हो गया थे उन लोगों ने कुछ भाष्यकार को तत्कालीन कुछ एडिशनल जोड़ दिए होंगे कुछ मात्र हस्ते लिखित मिलता नहीं था कुछ मराठे समाज का कुछ लिपि राह को जोड़ दिए होंगे। यहाँ से कई जगह पे आप देखें ना कि एडिशनल भाष्यकार के साथ जुड़ा हुआ है कुछ जो लगता नहीं है कि भाष्यकार। और इसको लेकर के अभी भी विवाद चल रहा है। और सामान्य व्यक्ति भी इतना संस्कृत का ज्ञान नहीं होता इतना पढ़ते भी नहीं है लोग जो बोलते हैं वो उपदिष्टा है उसके ऊपर विश्वास है वो मान लेते हैं इसीलिए इतना विभाग भी उत्पन्न। अभी भी बोल रहे थे इस बार जो गया इस समय भी बोल रहे थे अभी भी यही स्थिति है वो खूब बहुत बदल गया ये बात नहीं है क्योंकि वहाँ पे तो मतलब शंकराचार्य की यूनिवर्सिटी है नाम लगा हुआ है कोची में परंतु वहाँ पे एक शंकराचार्य मूर्ति बैठाने में कितना भी बात अब क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे विश्वस्यासो नरश्चेति विश्वानर इति यान पाठ लिखित पुस्तके नास्ति टीका प्रजालोचना च अयम प्रमादिक एव गंतव्य। टीका में भी वही पद लिखा हुआ है इससे लगता है कि भाष्य और टीका में तो एक ही पंक्ति नहीं होना चाहिए। टीका का अधिक शरीर एक प्रतीक उद्धृत करके इसका अर्थ करते हैं इसे टीका को प्रजालोचना करने से भी ये लगता है कि ये पुस्तक में नहीं था टीकाकार जब टीका लिख रहा था वो नहीं था ये नहीं इसलिए कैसे बोलते थी कुंडली इसीलिए इतना हिस्सा को हमने ब्रैकेट में कर दिया। अब यहाँ पे हमारे और देखिए टिप्पणी का लिख रहे हैं कुंडली तो अब कैलाश पुस्तक वाले जब छपते समय यहाँ पे कुंडली रखना चाहिए था अथवा नहीं रखे तो इसको इतना टिप्पणी को हटा दो ये होता है क्योंकि जो छापने वाले होते हैं उनको तो पता नहीं है कहाँ क्या है ये पढ़ने वाले से पता लगता है तो अब जो एडिट किया था उस समय को देखना चाहिए था अच्छी तरह से नहीं तो क्या हो जाएगा यहाँ कन्फ्यूजन फिर क्रिएट करेगा सबसे मुश्किल क्या है टीका कहाँ पे है टिप्पणी कहाँ पे है अलग अलग है सब अलग अलग करना है जैसे मैं कल देख रहा था एक ब्रैकेट में लगाया हुआ है उसको जैसे भी है तो यहाँ पे इतना ही मात्र कहने के लिए टिप्पणी आया है दो नंबर टिप्पणी
दो नंबर टिप्पणी कोई विशेष नहीं बोल रहा है, इतना एडिशनल भाषा में बोल लगाया हुआ, ये कहना चाहते हैं। अच्छा, सात दो नंबर टिप्पणी हो गया। विश्व जो विश्वनर एवं वैश्वानर, विश्व जो है उसी को वैश्वानर बोलते हैं। यहाँ पे छह नंबर टिप्पणी लिखा है, पांच नंबर तो हमने पढ़ लिया था, है ना, दृष्टि विवक्षण आहो स्वार्थे तद्धि, ठीक है ना, स्वार्थे तद्धि, विश्वनर को वैश्वानर हो गया। पहले वहाँ पे जो आपको पहले बोला था विश्वस्तो नरस्य, तो विश्वनर होना चाहिए था, तो फिर वहाँ पे नरे संगायाम से वहाँ पे आपको विश्वानर हुआ था। और यदि वहाँ पे नाम नहीं है तो वहाँ पे आकार कैसे, निपातन से हुआ था, ये भी पहले कह करके दिया। अरे विश्व को वैश्व कैसे हुआ, विश्व वैश्वनर कैसे हो गया, उसको लेकर के देखिए बोलते हैं। सर्व कारण छह नंबर टिप्पणी, सर्व कारणत्वात् विशेषाम अयम नर इति षष्ठी समास, ठीक है ना। पहला जो विकल्प पहले हमें विशेषम नर नाम नयन षष्ठी समझ किया, वहाँ फिर टिप्पणी को ठीक से पढ़ना, धीरे धीरे संस्कृत को पढ़ के आपको समझने की कोशिश करिए। तो क्या बोलते हैं, सर्व कारणत्वात् विशेषाम नराणाम अयम नयन, ठीक है ना, तो विशेषाम अयम नर इति षष्ठी समास, ठीक है ना। सर्वेश्वरत्वात् विश्वस्य नर नियम अस्य इति बहुब्रीहिर्वा, अथवा वहाँ पे संपूर्ण विश्व जिसके द्वारा नियमित होता है, संपूर्ण विश्व जिसके द्वारा नियमित होता है, वो भी समझ जिसके द्वारा नियमित हो, इसी विश्वनर शब्द का अर्थ कर रहे, विश्वनर शब्द का अर्थ कर रहे विशेषाम नरानाम नयना, पहला सृष्टि समाज अथवा बहुप्री समाज, सारा सृष्टि को जो चला रहा विशेषम नरान, एक ही अर्थ होगा सृष्टि विश्व, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे सर्वेश्वरत्वात् विश्वनरा नियम्यस्य, जो विश्वनरा संपूर्ण सृष्टि जीव इसके द्वारा नियम्य होता है, नियम्य इज कंट्रोल्ड बाय हुम, होल क्रिएशन इज कंट्रोल्ड बाय हुम, ही इज विश्वनर, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलते अस्य बहुब्रीहिर्वा सर्व प्रत्यक्षत्वात् विश्वे सर्वे प्राणिभिः प्रत्येक आत्मतः प्रविवच्य नियते व्यवह्रियते। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है, सर्वे प्राणी भी विश्व ही, मतलब शब्द क्या हो जाएगा, विश्व शब्द, समस्त प्राणियों के द्वारा प्रत्येक आत्मतया विभज्य नियत है, प्रत्येक जीव को अलग अलग उसके अंदर अंतर्यामी को लेकर के बोल रहे हैं, देखिए दूसरे शब्द को, प्रत्येक प्राणियों के द्वारा, अर्थात प्रत्येक प्राणियों को क्या करते हैं कि प्रत्येक आत्मतया उसका स्वरूपभूत होकर के प्रविभज्य अलग अलग कर्म कौन से नियत है, मतलब व्यवहारियत उनका श्रद्धा भी करते थे, नयतेर गरन है, यहाँ पे एक नी धातु है, नर शब्द कैसे बनता है, नर शब्द कैसे बनता है, नी नयति क्योंकि वीर अर्थ में आता है, तो नी नयते ही मतलब क्या, देखिए हम किसी धातु को निर्देश करने के लिए कि एक धातु निर्देश एक तिपो, तो आपको क्या होता है कि नयति बनते हैं, नयति बना करके उसका षष्ठी एक वचन करके यदि आप यहाँ पे लिखेंगे ना तो वो धातु निर्देश करते हैं, तो यहाँ पे नयति से क्या कहते हैं, नी धातु के साथ अर्थी को डरन प्रत्यय हुआ है, डरन में क्या बसता है, नकार हलंत में उसका ईत हो जाएगा, डकार के ईत हो जाएगा, चूटू कवर कहते हैं, तो बसता है क्या, और बसता है, तो नी धातु के साथ और प्रत्यय हुआ, और डित तो समतर अभस्व पे टेरे लोगों, तो नी का टी भाग हो जाएगा ई, तो ई चला जाएगा, नर बन जाएगा, नर बन जाएगा, नर शब्द बन जाएगा, यहाँ पे उसके बाद ये उनादि सूत्र है, नय तेर डरन, ये उनादि सूत्र है, ये उनादि सूत्र है, ये संख्या मुझे पता नहीं है, पुस्तक देखने का समय नहीं मिला, तो नय तेर डरन पुराने पुस्तक हो सकते हैं, तो यहाँ पे बोलता है इति उपपद समास, तो तीन प्रकार से यहाँ पे समास दिखाया, ठीक है ना, प्रत्येक आत्मतया प्रतिबद्ध समस्त जीव के अंदर स्वरूप भूत होकर के अपने कर्म फलों से उसको नियमन करते हैं, है ना, ये तीसरा तीसरा है, तो हर प्रकार से विश्वनर शब्द तो आपका बन जाएगा, विश्वनर शब्द बन जाएगा, इति उपपद समास त्रिषु अपि एतेषु पक्षेषु, इन तीनों पक्षों में, ठीक है ना, इन तीनों पक्षों में प्रज्ञादिभ्यश्च, ये सूत्र है, इन पाणिनि सूत्र है 5, 4, 38, प्रज्ञादि से स्वार्थ में अन प्रत्यय हो, प्रज्ञादि शब्द है, प्रज्ञादि गण में आए हुए शब्द है, उस गण में आए हुए शब्दों का सार्थक में अन प्रत्यय होते हैं, प्रज्ञादिभ्यस्य सार्थक में सूत्र है ये 5, 4, 38, प्रज्ञादिभ्यस्य प्रज्ञादि गण में आए हुए शब्दों को क्या होता है, स्वार्थ में अन प्रत्यय होता है,
शास्त्र में अन प्रत्यय होता है। अन का क्या होता है, नकार इत केवल अ बचता है, वो अ क्या करते हैं नकार इत होने के कारण अचोमित अभी को वही कर देते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि ये तीनों पक्ष में इतिपद समास त्रिषु अपि एतेषु पक्षसु प्रज्ञादिभ्यस्य इति सार्थे अणि, ठीक है ना, सार्थे अन इति अपि द्रष्टव्यम्। सार्थिक प्रत्यय तीनों पक्ष में, तीनों पक्ष में पहले विश्वनर शब्द बनेगा, विश्वनर शब्द के बाद उसके बाद अन प्रत्यय होगा, अन प्रत्यय होकर नकार इत हो जाएगा, आदि अश को वृद्धि करेगा और भी हो जाएगा। आपके पास है दस्यति च, में अकार और विकार को लोप करके प्रत्यय के अकार भी हो जाते हैं। यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे साक्ष्य अनि इति अपि द्रष्टव्यम्, ये विषय आपको समझना चाहिए। नरे संगायाम इति दरिकम, जहाँ पे विश्वानर कैसे बन जाएगा, वैश्वानर होना चाहिए था, तो मैं पहले बता क्या क्या नरे संगायाम, यदि सूत्र से होगा, यदि किसी का नाम हो तब तो ही होगा, यदि नाम नहीं है तो क्या हो जाएगा, निपातन से होगा। वैश्वानर और विश्वानर के अर्थ में क्या अंतर है, स्वार्थ में सार्थिक प्रत्यय तद्धित हुआ है, अर्थ में कुछ नहीं है सार्थिक, जैसे बोलो ना वयस एव वायस राक्षस एव राक्षस, दृष्टांत दो दिया आपके पास, सार्थिक प्रत्यय है वहां पे विश्वानर और वैश्वानर। तब आप विशेषम नरानाम नयनाद वैश्वस, समस्त जीव को अंतर से नियमन करने के लिए कर्म फल देने के लिए नियमन, उसको जो ऐसा करते हैं उसको विश्वास किसी व्यक्ति का नाम बोल रहे उसे नरे संगायम से दीर्घ हो जाएगा। अच्छा, चाहे विश्वानर बोलो चाहे वैश्वानर एक ही बात है, एक ही बात है, सार्थिक प्रत्यय हुआ है, उसी को ऐसा बोलते हैं यहाँ पे कि नरे संगायम इति दीर्घम च, प्रकार यहाँ पे मानना पड़ेगा। छह नंबर टिप्पणी हो गई यहाँ पे, आप उपभाष्य में आ जाइए, विश्व इति विश्वानर एव वैश्व, देख अपने आप लिख रहे हैं विश्वान भाष्य का विश्वानर एव वैश्वानर, ठीक है ना, जो विश्वानर है वही वैश्व, उसे भी वैश्वानर कहा जा रहा है। इस इंपॉर्टेंट अर्थ में कोई भेद नहीं, वयस एव वायस राक्षस एव राक्षस विश्वानर एव वैश्वानर, वयस्क हो गया वायस आदि अच्छा वृद्धि अकार बाकार हो गया, राक्षस हो गया राक्षस, इसी प्रकार बी इकार है उसको वृद्धि करोगे वही हो जाएगा वैश्वानर हो गया, ये अभिप्राय है यहाँ पे। अच्छा, तो अब यहाँ पे बोलते हैं अब कथम, तो दोनों अर्थ में क्या भिन्नता हो गया, ये प्रथम अर्थ के ये थे कि समस्त विषयों के जीव की अपने अपने कर्म के अनुसार कर्म फल देने वाला, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या सबका अधिष्ठान के रूप में नियमन है, हर चीज में केवल कर्म फल नहीं हर चीज में उसका नियमन करने वाले। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि अथवा विश्वस्त, अब वहाँ पे क्या है, आप जीवों को आप विभाजन कर रहे हैं, नियमन कर रहे हैं, यहाँ पे बोलते हैं वही अपने आप जीव रूप में बदल करके विश्वस्त नरस्त, मतलब जो विश्व है वही नर है, कर्म का समाज विशेषाम इन लोगों को लेने के कारण, और जो विश्व है वही नर है उसी को विश्वनर शब्द का, मतलब अंतर्जामी इस रूप में ईश्वर अधिष्ठान तत्व वही सारे रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए तो ईश्वर के अंदर वैषम्य नैभिन्न दोष नहीं आता। अभी ब्रह्मसूत्र द्वितीय अध्याय प्रथम पद में आया था, द्वितीय अध्याय प्रथम पद तर्क पद में पहले ही आया था, स्मृति पद सॉरी, वहां पे क्या बोला था कि परमात्मा यदि ऐसा विचित्र सृष्टि किया तब तो उनको वैषम्य नहीं, परंतु परमात्मा विचित्र सृष्टि तो बनाया अपने से भिन्न करके नहीं बनाया, अपने से भिन्न करके नहीं बनाया, राजा प्रजा को दंड देता है किसी को उपहार देता है अपने से भिन्न रूप में देख करके देता है, परंतु ईश्वर जो सृष्टि के राजा है वो अपने उनसे भिन्न कुछ भी नहीं। द्वितीय में ये देखिए विशेष करना चाहते हैं क्योंकि आपको ईश्वर तक ले जाना है, ईश्वर का दो रूप है, नियमन तो करते हैं परंतु स्वरूप भूत होकर के नियमन करते हैं, अलग करके नहीं, इसीलिए ईश्वर के ऊपर कोई दोष नहीं, वैषम्य नहीं, भिन्न दोष नहीं आता, ये द्वितीय अध्याय में निरूपण करके दिखाया। ये दोनों अर्थों में भिन्नता हुई, अथवा करके जब ही बोल रहे हैं पहला बोल करके भाष्य टीकाकार बोल रहे, तो भाष्यकार बोल रहे हैं कि हमने ऐसा भेद रूप में ईश्वर अपने से भिन्न करके जगत को नियमन करते ये बात नहीं है, वो स्वरूप भूत होकर के उसी रूप धारण करके अपने आप ही नियम है, अपने आप ही नियामक भी है, यानी कि इससे क्या सिद्ध होता है, पारमार्थिक कोई नियम नियामक भाव नहीं है, एक ही के ऊपर दोनों कर,
अभिप्राय से यहाँ से शुरू किया गया। अथवा विश्व विश्व नर सैव विश्व नर सार्थ्य तद्धित राक्षस वायस अभिवत विश्व अब सब यहाँ पे बोलते हैं कथम विश्व नरस्थिति विग्रही थे। ये अपने आप ही विश्व भी है और अपने आप नर भी है तो सारा एक ऐसे आप इस प्रकार विग्रह कैसे कर रहे हैं मतलब इस प्रकार प्रदक्षिण मतलब इस प्रकार आप जो बोलते हैं ना एक लौकिक विग्रह एक अलौकिक विग्रह ये लौकिक विग्रह है कैसे कर रहे हैं आप। जागृत नाम नराणाम अनेकत्व तादात्म्य अनुभवन्ते क्योंकि हमें क्या है आप देखिए एक ही मृत्तिका से बना हुआ जितना खड़ा होगा सब तो एक ही रूप होगा। तो अब हमें क्या दिखाई पड़ता है जागृत में जितना नर है जितना प्रकार की जीव है केवल मनुष्य नहीं सारा जीव वो सब अलग अलग है उसका सब एक उपादान कारण कैसे होगा ये ठीक नहीं बोला। एक ही यदि उपादान कारण होगा ये तो मैं अभी हमारे सुनता ना तो भगवत गीता ही बोलते हैं भगवान दशम अध्याय में इतना सारा विभूति कहने के बाद बीजम हम पार्थ सनातन दशम अध्याय के आप 48 नंबर सूत्र में 48 मतलब जत्यस्ति प्रतिबिंब देवी सत्य बिना विषते विगुणे न जना न तस्ति प्रतिबिंब देवी देव सत्य बिना दशम अध्याय के बीजम सर्वप्रथम एक तो सप्तम अध्याय में भी बोला बीजम 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 दोनों जगह आजकल ये हो रहा है मतलब दिमाग जो है सप्तम अध्याय पे बोला अच्छा आप फिर दशम अध्याय में देखो अध्याय 48 नंबर श्लोक बोले उद्देश्य फिर आगे क्या जब विभूति मत सत्य थी मत तथा वे वचन होते हैं अच्छा उसका पहले वाला श्लोक देखो 34 को 39 यच्च अपि सर्वभूतानां बीजम ये दोनों दो देखो आपने दोनों सप्तम में ये बीज को देखो अब जो है हमारी प्रश्न है क्या है एक वृक्ष तो एक एक बीज से एक ही प्रकार के वृक्ष बनता है यहाँ पे उठा रहा है प्रश्न इसका समाधान वहां पे दिया हुआ है भगवान इसलिए तो भगवत गीता ठीक से पढ़ेंगे अपने आप समाधान निकल आएगा आपका। तो एक प्रकार की बीज से एक प्रकार की वृक्ष बनता है और भगवान यदि एक ही प्रकार है भगवान तो अनेक प्रकार नहीं है तो एक ही प्रकार के सृष्टि के बीज होना चाहिए 84 लाख अलग अलग जो है कैसे बनेगा ये तो नहीं है। अब अपने आप ही बोल रहे बीज हम सर्वभूतानां फिर वहां पे क्या बोला बीजम सर्वभूतान बीजम सनातन यानी कि जिस प्रकार परंतु एक चीज देखो यहाँ पे एक ही प्रकार की बीज में से उसी बीज एक ही बीज से एक ही प्रकार के वृक्षों का कोई बात नहीं परंतु उस वृक्ष में मूल कांड शाखा डाल फल फूल पत्ती सब अलग अलग होता है कि नहीं होता है एक ही बीज में ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के एक ही में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार ऊर्ध्वमूल अधशाखा रूप इस बीज में वो जो वो बीज एक ही है और ये सभी विराट पुरुष एक ही शरीर में ये उनका शाखा प्रशाखा है। अब इसी की शंका उठा रहा है यहाँ पे ये इसका समाधान कैसे देंगे आप हमारे ये तो बिल्कुल स्पष्ट शंका है एक प्रकार की बीज से एक प्रकार के वृक्ष उत्पन्न होता है अलग बीज से अलग होता है तो भगवान यदि एक ही बीज है तो इतना अलग अलग प्रकार के बीज के सृष्टि कैसे हो ठीक है ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है मैंने वहां पर रखा था इसका समाधान कैसे दो दिया तो उसको कैसे कर यानी कि वो निर्विशेष बीज है भगवान निर्विशेष बीज है सविशेषता तो क्या होता है मनोवृत्ति है मतलब निर्विशेष शुद्ध चेतन अंतकरण प्रतिफलित होकर के अंतकरण में वृत्ति के साथ उपरिच्छिन्न रूप में प्रतिफलित होती है वास्तविक वो चेतनता है बाहर जो भी वस्तु दिखाई दे रहा है हमारे चेतन का ही प्रतिफलन है बाहर में परंतु क्या है चेतन शुद्ध प्रतिफलन में ही है वो मनोवृत्ति के साथ प्रतिफलित होता है तभी परिच्छिन्न रूप में दिखाई पड़ता है। यहाँ पे प्रश्न उठा है कथम विश्व नरस्य विग्रह थे आप इस प्रकार से जो विश्व है वही नर है ये आप कैसे बोल रहे हैं इस प्रकार विग्रह कैसे कर रहे हैं जागृतानाम नराणाम जागृत में यदि एक ही विग्रह जगे हुए जीवों का नर से यहाँ पे क्या नहीं जीवों का जगे हुए से कुछ भी अनेकत्वा वो तो अनेक प्रकार के होते हैं
जागृत अवस्था को लेकर नहीं बोल, व्यवहार काल में एक एक साथ सोया हुआ है कई व्यक्ति। आप एक एक ही एक ही आप यदि कुंभ मेला में जाएंगे तो हमको पता लगेगा, एक ही त्रिपल के नीचे कुत्ता बिल्ली मनुष्य स्त्री पुरुष सब सोए हुए अवस्था में पता नहीं लगता, सोए हुए अवस्था में पता नहीं लगता, पर जो जागृत का व्यवहार करते समय पता लगता है कि जी इसलिए जागृत है। स्वयं अवस्था पता नहीं लगेगा आपको, और वर्तमान में तो और मुश्किल है, पीछे से देखेगा आपको पता ही नहीं लगेगा पुरुष है कि स्त्री है, ड्रेस सब एक ही है, बाल भी आजकल जींस कट हो जाते हैं, तो इसीलिए इससे तो कोई इसीलिए जागृत हम क्यों बोला, व्यवहार काल से, व्यवहार काल में प्रत्येक जीव की व्यवहार अलग अलग दिखाई पड़ता है 84 लाख जोड़ियों में। अब इसका एक ही बीज है कैसे बोल रहे हैं, और एक ही तत्व इसमें संबंध है कैसे बोल रहे हैं। हम बोलते हैं कि जागृतानम नरानम अनेकत्वा तादात्म्य अनुभवते, इस प्रकार से तादात्म्य करके ये जो बोलना है जो विषय वही न है ये होना युक्ति संगत नहीं है, इति आशंका आहो। इसके उत्तर में क्या कहते हैं, आगे बोलते हैं सर्व पिंड आत्मन अनन्यत्वा, समस्त पिंड अलग अलग है परंतु उसके अंदर वो चेतन अभिन्न है। भाष्य में सर्व पिंडात्मन पिंडात्मा अनन्यता, समस्त पिंड की आत्मा के रूप में अभिन्न होने के कारण पिंड अलग अलग है। इस प्रकार मृत्तिका से बने हुए वस्तु अलग अलग है परंतु मृत्तिका उसमें अभिन्न है। परिणाम बात को लेकर हम बोल रहे हैं, यहाँ पे तो परिणाम बात नहीं है, विवर्तवाद है यहाँ पे। इसे सर्व पिंडात्मा अनन्यता स प्रथम पाद, इसी को प्रथम पाद कहते हैं। यहाँ पे एक 7 नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रही है ना, 7 नंबर टिप्पणी मिला आपको, तादात्म्य है ना, अनेकत्वा तादात्म्य अनुपपत्ति, तादात्म्य आप देखिए अब तादात्म्य अनुपपत्ति बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोलता है, जैसे आज हमने शुरू किया था मतलब ए बी सी डी सब एक विराट पुरुष का ही अंग है, तो विराट पुरुष का अंग होने के कारण ए बी सी सब बराबर होता है। तो ये न्याय हमारा उसमें भी है, मतलब न्याय दर्शन में भी है, सांख्य में भी दिखा है, उसी को बोलते हैं तब अभिन्न स तब अभिन्न अभिन्नत्व न्यायेन, ये इससे अभिन्न है, ठीक है ना, ये इससे अभिन्न है। तो अब ये भी यदि इससे अभिन्न है, ये भी यदि इससे अभिन्न है, ये भी यदि इससे अभिन्न है, यानी कि ये सब अभिन्न है। तब अभिन्न तत् मतलब ये इससे जो अभिन्न है, इससे तब अभिन्न अभिन्नत्म, इससे इसके साथ जितने सारे वस्तु अभिन्न है वो सब में अभिन्नता आ जाएगा। सामान्य न्याय है, मतलब सामान्य न्याय क्या हो गया कि मान लीजिए x इज इक्वल टू जे, फिर बाद में हम देखा y इज इक्वल टू जे, फिर हमने देखा d इज इक्वल टू जे, यानी कि a y एंड d आर द सेम। इसी प्रकार ये सारे विश्व विश्व विराट आत्मा विराट पुरुष में आपको 84 लाख योनि का शरीर विराट पुरुष का शरीर है, तो 84 लाख योनि सब विराट पुरुष है, यानी कि 84 लाख योनि में एक तत्व है आप समान, पिंड अलग अलग दिख रहे हैं उसका अंतर कोई एक तत्व समान है, ये प्रश्न है यहाँ। इसलिए हमें बोलते हैं यहाँ पे तद अभिन्न तद अभिन्न अभिन्न न्यायेन विराट अभिन्न जीवानाम, देख लिए। इसलिए आप देखिए पहले न्याय दिखाया, दृष्टांत को देखा, दृष्टांत में घटा करके दिखा रहा टिप्पणी का, तद अभिन्न विराट अभिन्न जीवानाम मिथ अभेदा, विराट से अभिन्न जो जीव है, इसीलिए तो ये प्रथम पाद यहीं से शुरू कर रहे हैं, विराट से अभिन्न जो जीव है मिथो अभेदा इति अभिप्रेण, इसलिए यहाँ पे तादात्म्य का कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं सर्व यहाँ पे सर्व पिंडात्मन अनन्यत्व स प्रथम पद, समस्त पिंड से अभिन्न होने के कारण किस कृत में आत्मन स प्रथम पाद। अच्छा ये इसको प्रथम पाद क्यों कहा गया है, इसको प्रथम पाद क्यों कहा गया है, प्रथम है ना। देखिए आपके पास 10th कंजुगेशन में धातु आया, मैं इसका ऐसे बनता कि नहीं बनता मैं जान करके नहीं बोल रहा, मतलब जैसा हमारा प्रथम एक धातु आता प्रथम प्रथम धातु 10th कंजुगेशन प्रथयति टू प्रोक्लेम टू उद्घोष प्रसिद्धि के दिखाने के, प्रथयति प्रथयति प्रथम मतलब जो प्रसिद्धि है, और माम मतलब मीयते इति माम मापा जाता है, प्रसिद्ध रूप में जिसमें मापा जा सकते, इसलिए प्रथम प्रथम प्रथ धातु है
माँ लगा हुआ है प्रथमा माता माँ धातु से आकार चला गया माँ मतलब मेजर किया है मतलब स्पष्ट रूप से मेरे क्लास में फर्स्ट हुआ प्रथम हुआ मतलब क्या उसको अन्य की तुलना में आप उसको स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं वही उसकी प्रथमता है प्रथम पाद प्रथ धातु टू प्रोक्लेम टू गो उद्घोष प्रसिद्धि अर्थ में आता है प्रथयति ये होगी सर्वपिंडात्मन अनन्यत्वात् स प्रथम पाद वश्यन प्रथम पाद क्यों आप देखो क्योंकि जागृत अवस्था में बैठ करके ही साधन होता है जागृत अवस्था में बैठ करके ही विचार होता है क्योंकि जागृत अवस्था में आपका संस्कार भी है आपका पुरुषकार भी है फिर तो चेतन की विस्तार हो पाता है चेतन की विस्तृत को समझ सकते हैं चेतन के अभिव्यक्त को समझ सकते हैं खूब विचार पूर्वक देखना स्वप्न काल में क्या होता है स्वप्न काल में आपका चेतन केवल मात्र अपने संस्कार के द्वारा चालित हो रहा है स्वप्न काल में आपका चेतन उस संस्कार के केवल संस्कार के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है नहीं आ रहा समझ में स्वप्न काल में ये चेतन की अभिव्यक्ति केवल अपने संस्कार के माध्यम से हो रहा है मनोवृत्ति के संस्कार के साथ जागृत काल में चेतन की विस्तृति अथवा अभिव्यक्ति संस्कार के साथ समस्त इंद्रिय व्यापार पुरुष का चेष्टा के साथ हो रहा है ठीक है ना इसीलिए प्रथम पाद है इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है इसी में साधन होता है बाकी में सुषुप्ति काल में सुषुप्ति काल में क्या होता है चेतन है चेतन की अभिव्यक्ति के दरवाजे बंद है जागृत काल में स्वप्न काल में चेतन का अभिव्यक्ति का दरवाजा तो है परंतु स्वप्न काल में केवल मात्र संस्कार पकड़ लिया उसको कि चेतन की विस्तार नहीं हो पाता है इसलिए जागृत को प्रथम करना क्योंकि जागृत में बैठ कर के साधना होता है विचार होता है स्वप्न काल में कोई विचार साधना नहीं हो पाता है यही मुख्य अवस्था प्रथम मुख्य प्रधान यही है इसमें बैठ करके साधना होते समय इसलिए प्रथम प्रसिद्धि है इसका प्रथम पाद ये चीज को समझना है कि किस समय हमारा कैसा कैसा हमारी चेतनता की अभिव्यक्ति कैसे कैसे हो रहा है किसके सहारे चेतन एक होते हुए भी एक नया वस्तु देखते ही समझना है कि वो वस्तु बाहर नहीं है वो किसी निमित्त से हमारे चेतन में चेतन ही प्रतिफलित हो रहा है वहां उस रूप में चेतन उस रूप में प्रतिफलित हो रहा है उस वस्तु को आप जानते हैं तो चित्तभूमि बोल देगा नहीं जानते चित्तभूमि नहीं बोलते किसे कुछ है तो चेतन का प्रतिफलन है ना जागृत काल में चेतन के प्रतिफलन के साथ कुछ पुरुषकार विचार उठता है परंतु स्वप्न काल में केवल मतलब संस्कार पूरा चेतन को कन्फाइंड कर रखा इसीलिए वहां पे आप समझ नहीं पाते चेतन की विस्तृति को समझ नहीं पाते उस काल में सुषुप्ति काल में तो वो भी नहीं रहता है वो भी चेतन तो है उठ करके बोलते हैं जागृत काल में उठ करके बोलते हैं उसके साथ स्वरूप भूत होकर के विशेष अनन्यता समस्त स्वरूप विश्व के साथ सृष्टि के साथ अभिन्न हो जाने के कारण यथत्व समास सिद्धि इस प्रकार से आपने कैसे कह दिया था कर्मधारय समास विश्व नरस्य समास सिद्ध हो जाता है तो समास सिद्धि कर्मधारय समास भी सिद्ध हो जाता है ठीक है ना सर्वम पिंडात्मना पिंड सर्व मतलब क्या हो जाएगा पिंडात्मा सर्व पिंडात्मना उदूपर जाएगा समष्टि रूप विराट उच्चते कौन है विराट जो समष्टि रूप है उसको कहा जाता है तेन उस विराट पुरुष के साथ आत्म रूप में और आत्मना विशेषम अनन्यता समस्त सृष्टि का समस्त सृष्टि के क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने विभूति में सबसे पहला विभूति क्या कहा अहम आत्मा गुणा केशव सर्वभूत सहस्थित समस्त भूत के आश्रय के रूप में मैं आत्म रूप में सबसे पहला भूति है ठीक है इसी यहाँ पे बोलते हैं कि तेन आत्मना विशेषा अनन्यत्वात् उससे अभिन्न होने के कारण है ना सभी से अभिन्न होने के कारण सभी से अभिन्न होने के कारण यथक्त समास सिद्धि इस प्रकार यहाँ पे जो आपका विश्व विषम कर्मधारय समास विश्व से नरस्य सिद्धि हो जाता है अब जो है आप इसको प्रथम पाद क्यों कहा सर्वपिंडात्मन अनन्यत्वात् स प्रथम पाद अब यहाँ पे बोलते हैं देखिए विश्वस्य तेजसात् उत्पत्ति तस्यैव प्राथम्यं युक्तम् आप प्रथम हवा का उत्पत्ति मृत्तिका से हुई तो आपको मृत्तिका को पहला कहना चाहिए था
स्थूल शरीर की आगत स्थूल शरीर की प्राप्ति सूक्ष्म शरीर के भाषण के कारण होता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर को पहले कहना चाहिए। इसको तुमको पहले कह दिया, इसको तुम पहले कह दिया, तब यहाँ पे बोलते हैं कि शंका उठा, ठीक है ना, शंका को समझेंगे तो उत्तर को समझेंगे। विश्वस्त तेजसा उत्पत्ति, विश्व को उत्पत्ति क्यों है, मन संकल्प न आयाति अस्मिन शरीर है, प्रश्न पूछ रहे हैं, मन के संकल्प से न्यास स्थिति से उत्पत्ति होती है, इसलिए उत्पत्ति तस्व प्रथम से आपको सूक्ष्म शरीर को प्रथम बोलना चाहिए, मतलब प्रसिद्ध उसको बोलना चाहिए, युक्तम कार्य शुद्ध पश्चात भावितम कार्य तो उचितम, कार्य तो बाद में होते हैं, कारण पहले कार्य से नियत पूर्व व्यक्तित्व कारण, कारण तो पहले होता है, तो आपने पहले ऐसा उसको पहला प्रथम पाद क्यों बोल दिया, इति आशंका बोलते हैं इसी के, इसके कारण के मैं पहले बोला प्रथम शब्द करते समझना कि यहाँ पे प्रथते प्रतिष्ठा रूपेण मीयते इति प्रथम, ठीक है ना, प्रतिष्ठा रूप में प्रथम प्रक्ले मीयत अच्छी तरह से इसमें बैठ करके मापा जा सकता है, समझा जा सकता है, इसलिए प्रथम पद। उपादान कारण अलग है, सूक्ष्म शरीर नया शरीर क्यों ग्रहण करता है, वसन के कारण ग्रहण करता है, तो सूक्ष्म शरीर के कारण ही आपको स्थूल शरीर ग्रहण करना पड़ता है। जब तक ध्यान रखना, जब तक सूक्ष्म शरीर भेद नहीं होगा तब तक जन्म लेते रहोगे। ये तो है, ये तो सूक्ष्म शरीर को स्वप्न अवस्था बोलते हैं। हाँ। और बोल रहे हैं कि चूंकि सूक्ष्म शरीर को ही प्रधान अवस्था माना जाता है, तो वो प्रधान है, उसको पहले बोलना चाहिए, उसको पहले बोलना चाहिए, तब यहाँ पे बोल रहे हैं विश्वस्य तेजसात उत्पत्ति, विश्व का सृष्टि क्यों तेजस होता है, सूक्ष्म शरीर के भाषण के कारण स्थूल शरीर प्राप्त होता है, उत्पत्ति तस्यैव प्राथम्यं युक्ति, सूक्ष्म शरीर को पहले बोलना चाहिए, वो कहना युक्ति संगत है, क्यों ये रहती दे रहा है, कार्यस्य तु पश्चात् भावितम् उचितम्, कार्य तो बाद में होता है, कार्यस्य नियत पूर्व व्यक्तित्वम् कारण, कारण पहले रहते हैं, कार्य बाद में होते हैं, इसलिए कारण को प्रथम कहना चाहिए, ऐसा क्यों कह दिया, बिल्कुल स्थूल प्रश्न है, ये स्थूल प्रश्न है, कुछ रमित आशंका तब बोलते हैं एतत् पूर्वकत्वात् उत्तरपाद अधिगमस्य प्राथम्यमस्य, एतत् पूर्वकत्वात् आप जब मृत्तिका की क्वालिटी को विचार करोगे बाजार में, इस प्रकार कपड़ा है आपके पास, तंतु की क्वालिटी को विचार करके आप कपड़ा देख करके तंतु को समझते हैं, आपका ये कपड़ा, एक कपड़ा रेडीमेड कपड़ा खरीदने गया आपने, रेडीमेड कपड़ा खरीदने गया आपको तंतु मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा, आपको कपड़ा मिलेगा, आपको कपड़े से तंतु पता लगता है, क्योंकि वो जो कार्यात्मक उपमा है अब उसमें पता लगता है, इसीलिए बोलते हैं कि एतत् पूर्वकत्व इस प्रथम, ये इसलिए कहा गया है कि ये जागृत अवस्था में पहले रख करके ही उत्तर पाद अधिगमस्य प्राथम, अगला पाद का अधिगम होना संभव है, नहीं तो इसीलिए इसको प्रथम रखा गया है, क्योंकि मैं पहले ही बोला ये चीज चेतन की विस्तृति, चेतन की उपलब्धि आपको जागृत काल में क्या होता है कि इंद्रियां शरीर मन बुद्धि सब कुछ रहता है, यहाँ पे चेतन की फैलाव, चेतन की अभिव्यक्ति स्पष्ट समझ सकते हैं, स्वप्न काल में क्या होता है केवल मात्र आपका संस्कार उसको घेर लेता है, स्वप्न काल में केवल संस्कार घेर लेता है, उतना मात्र सृष्टि को आप देख पाते जितना आत्मा संस्कार है, जागृत काल में आपके संस्कार से द्वारा सृष्टि जगत को भी मैं देख सकता हूँ, हमर जगत को बिना सृष्टि देख सकते हो, स्वप्न काल में आपके संस्कार को मैं नहीं देख सकता, और जागृत काल में बैठ करके साधन अथवा विचार होता है, स्वप्न काल में अथवा सुषुप्त काल में होना संभव नहीं, इसलिए एतत् पूर्वकत्वात् उत्तरपाद अधिगमस्य, इसी को जागृत को पहले रखने के उत्तरपाद का बोध होता है, इसलिए प्राथम्यम अस्य इसमें प्राथमिकता, प्रथम प्रथम ये फर्स्ट है, ये नहीं बोल रहे, इसमें प्रधानता दी गई है, क्यों, जागृत में साधन होता है, जागृत में विचार होता है, जागृत में समझ में आता है, जागृत काल में आपने चेतन की अभिव्यक्ति आप कहाँ तक ले जा सकते हो, जो युक्ति काल में आप संस्कार के तरह बंधे हुए होते हैं, चेतन जागृत काल में संस्कार है परंतु वहाँ पर पुरुष काल भी है, उसको तो बदल सकते हैं, उसको जागृत काल में जब कोई संस्कार के तरह कोई चेतन मृत्यु उद्भूत हुआ, यदि ये मेरा अनुकूल नहीं है तो मैं उसको बदल सकता हूँ, कोशिश करके, स्वप्न में ये नहीं, इसलिए इसकी प्राथमिकता दी गई है, अभी में रखते हैं।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 अजम् अपि यनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगा अगति च गतिमत्यां प्रागेकं हि अनेकं विविधविषयधर्मग्राहिमुग्धे क्षणानां प्रणतभयविहन्त्री ब्रह्मदत्तन्नतोऽस्मि ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवम्बादरायणम् सुसूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूलये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।